लोगों का पर्यावरण व पेड़ों के प्रति प्यार बढ़ाने के लिए अब हरियाणा सरकार उम्र दराज पेड़ों के रखरखाव के लिए पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। यह बात हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि यह पेंशन पेड़ों की लंबी उम्र बढ़ाने के लिए उनके मालिकों को दी जाएगी। राज्य मंत्री ने कहा कि लाडली पेंशन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है कि लाडली योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन बंद कर दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि लाडली पेंशन एक बेटी पर 45 साल के बाद से 60 वर्ष तक दी जाती है। यह पेंशन 60 वर्ष के बाद बुढ़ापा पेंशन में बदल जाती है। इस तरह लाभार्थियों को यह पेंशन निरंतर मिलती रहेगी। सरकार द्वारा जो भी पेंशन उपभोक्ताओं को दी जा रही है उन सभी में बढ़ोतरी कर 2250 से बढ़ाकर 2500 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि किडनी और लीवर के मरीजों को भी पेंशन देने की योजना तैयार की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि लोगों की लापरवाही के चलते संक्रमण फैल रहा है, इसीलिए कोरोना संक्रमण से बचाव वाले सभी नियमों को अपनाते हुए खुद की और अपनों की सुरक्षा करें ताकि फिर से होने वाली परेशानियों से बचा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो नाइट कर्फ्यू ही नहीं बल्कि दिन का कर्फ्यू यानी लॉकडाउन तक लगा दिया जाएगा। इसीलिए लोगों को चाहिए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के सभी नियमों का पालन करें। वहीं किसान आंदोलन के चलते राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सरकार की बातचीत चल रही है, जल्द ही इसका समाधान निकल जाएगा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर का दौरा किया है और वहाँ यूनिवर्सिटी की व्यवस्था को देखा और उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, क्या खामियां हैं, उसके बारे में वहाँ की अथॉरिटी से विशेषकर वाइस चांसलर से बातचीत हुई। उसमें जो सुधार करने की ज़रूरत है, जो सुझाव आए हैं, उनको हम दूर करवाने का प्रयास करेंगे। स्टाफ की कमी थी, हमने वहाँ कहा है कि स्टाफ की भर्ती जल्दी की जाए ताकि स्टूडेंट्स के कामों में कोई बाधा ना आए। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ किसान को बहकाने का काम कर रही हैं और एक तरह से उनको बरगलाने का काम है, तो हम किसान भाइयों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं समझता हूँ जल्दी ही उनकी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कोरोना ने अपना भयानक रूप दोबारा से, ये दूसरी लहर है और अपना बहुत ही भयानक रूप में उभर कर आ रहा है और हमें सबको इसके बारे में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कई क्षेत्रों में जहाँ इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है वहाँ लॉकडाउन अपने अपने ढंग से प्रशासन ने लगाने का प्रयास किया है और जहाँ जैसी स्थिति बनेगी उसी तरह से लॉकडाउन वगैरह लगाकर या लोगों को समझाकर इसकी समीक्षा समय समय पर होती रहती है। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि कोरोना से बचने के लिए एक ज़रूरी जो डिस्टेंस है वो रखें, मास्क का उपयोग करें और सभी उन नियमों का पालन करें जिससे कोरोना ज़्यादा ना बढ़ सके। अगर ज़्यादा केस बढ़े, लोगों ने लापरवाही की, तो नाइट कर्फ्यू भी लग सकता है, दिन कर्फ्यू भी लग सकता है, सब कुछ हो सकता है। अभी सभी प्रकार की पेंशन है, चाहे बुढ़ापा पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है, जो भी कैटेगरी है, 10-12 कैटेगरीज हैं, सबकी पेंशन 250 रुपये प्रति माह बढ़ाई है और अब बढ़ाकर ये 2500 रुपये प्रति माह होगी। जहाँ तक लाडली पेंशन का संबंध है, लोग जो अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि लाडली पेंशन सरकार ने बंद कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। लाडली पेंशन 45 साल से ऊपर की उम्र का जो व्यक्ति होता है और जिसके एक लड़की होती है उसको ये पेंशन दी जाती है, बात बता रहा हूँ, उसको ये पेंशन दी जाती है और 45 साल से 60 साल तक लाडली पेंशन उसको मिलती है। जैसे ही वो 60 साल की हो जाती है तो उसकी पेंशन बुढ़ापा पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है, बंद नहीं होती। उसकी पेंशन लाडली वाली जो पेंशन है वो बुढ़ापा पेंशन में कन्वर्ट हो जाती है।
तो इसको कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि ये बंद कर दी। लाडली पेंशन केवल 60 साल तक है, 60 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति है वो प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन ले रहा है और उसको बुढ़ापा पेंशन में शामिल कर देते हैं। और विभाग की तरफ से आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ लोगों को राहत दी जा रही है? हम अभी कैंसर और HIV पॉजिटिव से जो ग्रसित है उनको पेंशन और देने का एक सर्वे करवा रहे हैं। जल्दी जैसे सर्वे पूरा हो जाएगा हेल्थ विभाग की तरफ से, हम उनको भी सभी कैंसर पीड़ितों को पेंशन देंगे, HIV पॉजिटिव जितने भी हैं उनको पेंशन देंगे। और हम प्रयास कर रहे हैं कि सीरियस बीमारी जैसे किडनी और लीवर से संबंधित भी जो ग्रसित हैं उनको भी आगे आने वाले समय में शामिल करें। के जैसे बहुत उम्रदराज पेड़ हैं और जो एक तरह से हमारी धरोहर हैं उनको भी हम पेंशन लागू करेंगे ताकि उससे उस पेड़ की रख रखाव पर जो खर्चा आए और उसकी आयु लंबी बढ़ सके, ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। जल्दी ही जो लंबी उम्र के पेड़ हैं, बुजुर्ग पेड़ हैं, उनको हम पेंशन उनकी बनाने जा रहे हैं। सुरक्षित रखा जा सकता है इस प्रकार का ये नॉर्म होंगे और हम जिस गांव की पंचायत में पड़ेगा उसकी पंचायत को वो पैसा देंगे, या कोई वन क्षेत्र में पड़ेगा तो वन विभाग को देंगे ताकि वो उसका रख रखाव कर सके। ये पर्यावरण बचाने के लिए, ये केवल पर्यावरण बचाने के लिए और लोगों का पेड़ों के प्रति एक प्यार बढ़ाने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।